हमारी यह खुश नसीबी है कि हमारे ज़िलों को एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मयस्सर है जो एक दर्द भरा दिल लगता है। अभी पिछले दिनों एक मैं इंटरव्यू देख रहा था सर का, जिसको देखने के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें पता पड़ी। आपकी पहली पोस्टिंग थी आज़मगढ़ में, तब मऊ आज़मगढ़ हुआ करता था, आप एसडीएम मोहम्मदाबाद थे। वहाँ वलीदपुर भीरा एक गांव है जिसमें एक बहुत पुराना मैटर था, ज़माने से चला आ रहा था, जो हल नहीं हो रहा था, और आपने पचासों साल पुराने मैटर को सेकंडों में हल करा दिया। आप शामली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, हमारे लिए बड़े फख्र की बात है। आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शामली थे, वहाँ एक गांव था जिस गांव में बावरिये रहा करते थे। बावरियों का नाम सुनते ही एक दहशत सी पैदा हो जाती। हमारे ज़िले में भी पिछले दिनों कुछ घटनाएं इस तरह की हुई जहां इस गिरोह का नाम आता था। आपने उस गांव को मेन स्ट्रीम से जोड़ा, वहां के लोगों को एजुकेशन से जोड़ा, और जो क्राइम करते थे वो लोग उससे दूर किया है। बड़े फख्र की बात है कि एक दर्द भरा दिल, और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी बात यह भी है कि आप एक अच्छे शायर हैं, आप एक अच्छे कवि हैं, आप एक अच्छे साहित्यकार हैं। मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश करूंगा हमारे ज़िला अधिकारी, हमारे कलेक्टर मोहतरम आली जनाब नागेंद्र प्रसाद सिंह जी से कि वो आरिफ साहब और इस विद्यालय के प्रबंधक, हमारे सहयोगी पुलिस अधीक्षक यातायात तारिक साहब, प्रिंसिपल साहब और हमारे सभी उपस्थित, मैं कह सकता हूँ कि हिंदी और उर्दू दोनों ज़ुबान के जो यहाँ पर योद्धा हैं, सिपाही नहीं योद्धा, उनके पुष्पगुच्छ हैं जो हमारे, मैं चूंकि यहाँ पर चीफ गेस्ट नहीं हो सकता, थोड़े शब्द गलत है मेरे लिए, क्योंकि मैं यहाँ पर कलेक्टर हूँ और आयोजन अगर किसी जनपद में हो रहा हो और दूर दूर से शायर आए हों, इल्म और हुनर से जुड़े हुए लोग जब आए हों, तो कलेक्टर वहाँ अतिथि नहीं हो सकता, कलेक्टर वहाँ चीफ होस्ट हो सकता है, मुख्य आतिथेय हो सकता है। इसलिए मैं आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, हृदय के अभ्यंतर से आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि आप यहाँ पर आए, तशरीफ लाए आप सभी लोग। और जैसा कि भी आरिफ कह रहे थे, कविताएं मैं भी लिखता हूँ लेकिन बहुत ही शुद्ध हिंदी में लिखता हूँ, मजबूरी है कि उर्दू ज़बान में नहीं लिख पाता, जो सबसे बहुत प्यारी ज़बान है, जो जंग आज़ादी की ज़ुबान है। और गांधी जी कहते थे कि स्वाभाविक रूप से हिंदुस्तान को जोड़ने वाली अगर कोई भाषा हो सकती है तो हिंदू और उर्दू दोनों को मिलाते हुए हिंदुस्तानी ज़ुबान हो सकती है। और यही कारण था कि जब गांधी जी के जंग आज़ादी में आने के बाद आप देखेंगे कि जो भी भिन्न भिन्न मज़हबों के लोग भी अपने मज़हब को छोड़ करके देश को सबसे ऊपर रखकर, और उन्होंने जंग आज़ादी में भाग ही नहीं लिया बल्कि उसमें सबसे बड़ा योगदान उन कवियों और शायरों का था, साहित्यकारों का था, और इनकलाब जिंदाबाद से लेकर क्रांति की जितने भी मशाल जलाई गई उसमें हिंदू और उर्दू दोनों का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। और एक मैं बहुत ही, मैं चूंकि भौतिकी का विद्यार्थी हूँ, फिजिक्स का, तो बहुत सारे लोग पूछते हैं हमसे कि आप ये बताइए कि आप उर्दू ज़ुबान को और संस्कृत को क्यों कहते हैं कि बहुत ही अच्छी ज़ुबान होती है, बहुत अच्छी भाषा होती है। मैंने उनसे पूछा कि भाई जो कुछ भी है, हम लोग तो एनर्जी हैं, ऊर्जा हैं, जो भी हमारे दिल में जज्बात होते हैं, ख्यालात आते हैं, उसको इजहार करने की छटपटाहट होती है या कुलाहट होती है, और जिसके अंदर जितनी गहरी संवेदना होती है, जितने सूक्ष्म तक अंदर तक उस संवेदना को हम दूसरों के साथ जोड़ पाते हैं, जज्बात को,
उतनी हमारी जो वाइब्रेशंस होते हैं अभिव्यक्त करने के, इजहार करने के, जो हमारे वाइब्रेशंस होते हैं, उस वाइब्रेशन से ही जो एक ध्वनि निकलती है वो ध्वनि सुनने वालों के मस्तिष्क तक पहुंचती है और उनके में तरंग पैदा करती है, वाइब्रेशन पैदा करती है और उसके आधार पर फिर वो उसको, उस इमेज को, उसको फिर ग्रहण करता है। आप देखेंगे, आप सभी लोग थोड़ा अगर ध्यान रखिएगा, किसी किसी अक्षर का प्रयोग करिए, कुछ अक्षर आपको मिलेंगे जो जीभ और ऊपर के तलवे के बीच से बोले जाते हैं, कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जो जीभ और नीचे का जो तलवा होता है उसके बीच से ही बोलते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पूरे के पूरे अंदर के मुंह से, पूरा का पूरा मुंह ही उसमें बोलता है, कुछ ऐसे अक्षर होते हैं जिसमें अंदर नहीं बोलता, सिर्फ होठों की जो ध्वनि होती है उसके परस्पर जो संबंध होते हैं उससे अक्षर निकलते हैं। ये जो, ये बेसिकली इस साइंस, एक विज्ञान है ये। जब व्यक्ति के अंदर अकुलाहट होती है, ज्वार भाटे होते हैं विचारों के, तो निकलने के लिए वो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी मोड में बाहर निकलना चाहते हैं। और जब बाहर निकलते हैं तो जाहिर है कि वो जो वाइब्रेशनल मोड है हमारा, उसके माध्यम से जो उसकी ध्वनि बाहर निकलती है वो साबित करती है कि वो जुबान कैसी है। तो जिसका जितना दिल अच्छा होगा, जिसकी जितनी रूह में हलचलें अच्छी होंगी, हरकतें अच्छी होंगी, जाहिर है कि बाहर की जो ध्वनि होगी वो भी उतनी ही अच्छी होगी। तो जो अभी देखिए शमीम साहब पढ़ रहे थे जब, तो हम सब लोग भी जानते हैं कि चिराग जला दोगे तो अंधेरा धीरे धीरे भागेगा, लेकिन जब वो पढ़ रहे थे तो आपको यकीन हो रहा था कि वास्तव में चिराग से अंधेरा जाता है, जबकि जानते हम सभी लोग हैं, लेकिन यकीन तब होता है जब वो एक अच्छे ढंग से उसको कहा जाता है जो दिल में उतर जाए। तो मैं शमीम साहब को तो पहली बार सुन रहा था, नवाज देवबंदी साहब जरूर मेरे बहुत गहरे दोस्त हैं, और मैं चूंकि सहारनपुर में भी कलेक्टर रहा हूँ, शामली में भी रहा हूँ, गौतम बुद्ध नगर नोएडा में भी रहा हूँ, तो उस इलाके में रहा हूँ, तो इस इलाके के लोगों से, उधर के जो शायर हैं, शायद कोई मुजफ्फरनगर के भी शायर आने वाले थे, मुझे बताया गया था, अजाब हैं, शायद आपसे कोई मुलाकात शायद नहीं हो पाई थी कभी मेरी, बट इतफाक से, इतफाक रहा होगा नहीं बेटी, उधर मैं नवाज साहब के देवबंद के कार्यक्रमों में, दारुल उलूम में अक्सर जाता रहा हूँ, और बहुत ही चंद सौभाग्य उन लोगों को, मेरे जैसे लोगों को मिलता है जो इस्लाम के न होते हुए भी मज़हब के रूप में इस्लाम के न होते हुए और इस्लामिक सेंटर के मेम्बर हों। मैं दिल्ली में इस्लामिक सेंटर का मेंबर हूं, और इसलिए मेंबर हूं कि मैं कुरान और गीता पर तकरीर करता हूं। दोनों में जो सिमिलैरिटीज़ हैं गीता के श्लोक में और कुरान की आयतों के स्पिरिट में, उसके विषय में मैं तकरीर करता हूं, स्पिरिचुअल तकरीर करता हूं, और लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं कि जो अल्लाह ताला की जो को संदेश है, जो मैसेंजर के रूप में पैगंबर साहब ने 7वीं सदी के पूर्वार्ध में जो हमारे बीच में लाए थे, उसमें, और भगवान कृष्ण जो गीता में संदेश देते हैं जीवन के आचरण के विषय में, उसके विषय में कैसे दोनों में समानताएं हैं, इसलिए इस्लामिक सेंटर ने मुझे उस तकरीर के आधार पर मुझे मेम्बर बना दिया था। करीब 11 साल पहले से मेम्बर हूँ मैं, और समय समय पर मैं वहाँ दारुल उलूम में जाता रहता हूँ, और जो भी मेरे ख्यालात हैं मुल्क के हालात पर या लोगों के बीच में जो इख्तलाक के बीच जो पैदा होती हैं और उसमें जो अननेसेसरी दरारें पैदा होती हैं, उन दरारों को, उन खाइयों को ख़त्म करने के लिए क्या प्रयास होने चाहिए, उसके बारे में मैं चर्चाएं करता हूं। उर्दू में कविताएं तो नहीं लिख पाता, लेकिन अपने हिंदी की कविताओं के माध्यम से उर्दू ज़ुबान के जो शायर हैं उनके बीच में अपनी बातों को बाँटने की कोशिश करता हूँ। ये आपके बीच आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं नहीं चाहता हूं कि शायरों के बीच में और आपके बीच में एक चट्टान की तरह पैदा हो जाऊं, मैं खड़ा हो जाऊं, जैसे बहुत अच्छी धारा बह रही हो उसमें चट्टान आ जाए। आरिफ भाई ने ये कहा कि जो बारिश ने मुतासिर कर दिया, अभी बोल रहे थे, और जब मैं आ रहा था तब भी उनके दिल में बहुत दर्द झलक रहा था बार बार कि बारिश नहीं होती तो भीड़ ज़्यादा होती। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो कुछ अल्लाह की मेहरबानी हो, ये आपको दिखाना चाहता हो कि
वास्तव में कौन कौन कदरदान है? हो सकता है ये भी उसको हमारी परीक्षा लेना चाहता हो कि जब तक, वैसे तो भीड़ में वाह वाह करने वाले, इरशाद करने वाले बहुत लोग हो सकते हैं मौसम ठीक हो, लेकिन जब मौसम साथ न दे, विपरीत परिस्थितियां हो, विपरीत हालात हो, उसके बीच में भी जिसको मोहब्बत होगी शायरी से वो जरूर आएगा, चाहे वो पत्थर पड़ रहा हो चाहे पानी बरस रहा हो, वो जरूर आएगा। और जो लोग यहाँ पर हैं, मैं चाहूंगा कि शायरों के लिए तो आप ताली बजाते हैं, लेकिन ऐसे कदरदानों के लिए जरूर ताली बजा दीजिए, क्योंकि उन्होंने इतने विपरीत परिस्थितियों में भी आए। एक बात मैं जरूर ये स्पष्ट करना चाहूंगा, शायद आरिफ साहब को बुरा लगा होगा जब मुझे फूलों का गुलदस्ता दे रहे थे, मैं फूल कभी तोड़ता नहीं दरअसल, और उसका कारण है कि मैं फूलों से बेइंतहा प्यार करता हूँ, और मुझे लगता है जिसको आप प्यार करते हो उसको तोड़ कैसे सकते हैं। तो और मुझे हमेशा ये लगता रहा कि जब कोई भी अल्लाह की कोई भी जो भी क्रिएशंस हैं वो किसी मकसद से होते हैं। हमारा आपका भी अगर निर्माण हुआ है, हमारा आपका वजूद आया है इस धरती पर, तो उसके पीछे कोई मकसद है। उसी तरह जो फूल है उसका एक मकसद है, और वो मकसद ये है कि वो मामा सुगंध को, खुशबू को बिखेरता रहे, उसको उसके भरे यौवन में तोड़कर मेरे गले में डाल दिया जाए, मैं अपने गले को कम से कम इतना बढ़िया नहीं समझता हूँ। तो इसलिए मैं लोगों से हाथ जोड़ता हूँ कि हुजूर इन फूलों को उनकी जगह रहने दो, उन्हें महकने दो, उन्हें खुशबू बिखेरने दो, उनको अनायास तोड़ करके उनको रुसवा मत करो, और अल्लाह की जो कुदरत की जो देन है उसके साथ कंटेम्प्ट मत करो। मैं इसको अक्सर कहता हूँ कंटेम्प्ट टू द नेचर है, कंटेम्प्ट टू द कोर्ट से बहुत डरते हैं हम लोग, लेकिन ये कंटेम्प्ट टू द नेचर है, प्रकृति के साथ कहीं अवमानना हो जाती है। अगर मेरी बात कहीं आपको दिल को छुए तो इसको कोशिश करिएगा बाद में इसको मानने की। क्षमा की बात कर रहे थे अभी, क्षमा रोशन करने की बात, आप देखिए ना लोग, दुनिया के लोग फालतू में लड़ते हैं दो धर्म बात करते हुए। मैं लोगों से कहता हूँ कि ये बकवास कब बंद होगी इस देश में, कब इंसान समझोगे, और संस्कृत से निकली हुई हिंदी और अरबी फारसी से निकली हुई उर्दू को एक साथ एक जुबान के साथ कब जीने की कोशिश करोगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपके और शायरों के बीच की दूरी को बहुत लंबा नहीं करना चाहता, लेकिन चूंकि क्षमा शब्द इन्होंने कहा तो मुझे साहिब साहब की वो जरूर चंद लाइनें याद आती हैं, उसको कहते हुए मैं जरूर अपनी बात को खत्म करूंगा। खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर, जंग पूरब में हो या पश्चिम में, अमन आलम का खून है आखिर, बम घरों पर गिरे या सरहद पर, रूहे तामीर जख्म खाती है, खेत अपना जले या गैरों का, जिस फाकों से तिल मिलाती है, जीत का जश्न हो या हार का शोक, जिंदगी मैयतों पे रोती है। इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, हमारे आपके आंगन में मोहब्बत की शमा जलती रहे तो बेहतर है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर। एक बहुत, दरअसल मैं बताना भूल गया आपको, यहाँ पर कुछ यूथ भी हैं। शिबली नुमानी साहब का जब भी आजमगढ़ ही नहीं बल्कि पूर्वांचल में जब भी इल्म का नाम होगा, तालीम का नाम होगा, तो शिबली नुमानी साहब को सभी लोग पहले नंबर पर याद करेंगे। मैंने युवक जो हैं, लड़के या लड़कियां जो 18 साल से कम के, उनमें से मैंने डीएम होने के बाद पिछले 3 महीने में एक पुरस्कार घोषित किया था, कुछ कवियों के नाम से, कुछ शायरों के नाम से, और एजुकेशनिस्ट के रूप में शिबली नुमानी साहब के नाम। बट उसमें से सिर्फ 2 लड़कियां यहाँ से शिबली कॉलेज से उन्होंने अपना नॉमिनेशन दिया। मैं चाहूँगा, चूँकि यहाँ पर आप मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग हैं,
तो इसको जरूर प्रचार प्रसार करें। और वो पुरस्कार हमने अपने खुद के इनकम से दिया था, रिसोर्स से दिया था, करीब 11 लोगों को पुरस्कार दिया था। मकसद मेरा ये था कि जो नए लड़के हैं, नई पीढ़ी है, उनके अंदर इन चीज़ों के प्रति रुझान पैदा हो। तो उसमें कैफी आजमी साहब के नाम से भी एक पुरस्कार है, और मैंने उसकी ऐसी व्यवस्था कर दिया है कि आजमगढ़ साहित्य परिषद के नाम से गठन कर रहा हूँ, जो हमेशा नए बच्चों को, नए जो अंकुर हैं, उनको किसी न किसी शायर, किसी कवि, किसी एजुकेशनिस्ट, किसी फ्रीडम स्ट्रगल में, किसी कल्चरल जो पर्सनालिटीज़ हैं, उनके नाम से कोई ना कोई प्राइज़ हो, ताकि इनके अंदर एक अच्छा कल्चर पैदा हो और फ्यूचर में अपने को भी वैसे ब्रांड एम्बेसडर मिले। तो इसलिए अगर आप अपने बच्चों को जरूर बताइएगा कि हर साल ये पुरस्कार है, उसमें मैं फाइनेंशियल भी देता हूँ, दे दिया मैंने 5001 रुपये और सर्टिफिकेट दिया पहले साल ही। तो कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ रहूँ या ना रहूँ, वो साहित्य परिषद का गठन हो और एक अच्छा खासा अमाउंट यूथ को मोटिवेट करने के लिए, इन शायरों को जिंदा रखने के लिए दिल और समाज में व्यवस्था बनी रहे। बहुत शुक्रिया सर।